आपके मन को चेक करते चलो। जबान पे क्या आता है वो मत बोलो, मन को चेक करो उसको। राम ज्यादा पसंद या रावण ज्यादा पसंद, जल्दबाजी मत करना। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछ के मैं प्रवचन को विराम देने जा रहा हूँ, मगर एक प्रश्न का जवाब दो। राम आपको यदि पसंद है, नाम से कि काम से? सच बोलो, राम का कौन सा काम अच्छा था कि जिसके लिए राम को तुम पसंद किए? नहीं बोलो। आप यदि बोलते गुरुदेव नाम राम यदि हमें पसंद है, नाम से नहीं काम से, काम अच्छा था इसलिए राम का नाम लेते हैं। ऐसा राम के पास क्या काम था कि जिसको लेके तुम इनके नाम पसंद करते हो? ओके, राम का नाम जिस काम के हिसाब से आपको पसंद है वही काम आपके जीवन में आप इम्प्लीमेंट रोज करते हो। यदि मर्यादा के हिसाब में राम आपको पसंद है तो आपके जीवन की मर्यादा का क्या? नहीं आप बोलो। मैं कितने साल से प्रवचन करता हूँ ना, सीक्रेट बता दूँ सीधा। पहली बार एक अहमदाबाद ऐसा मिला मुझे, एक लड़का मिला था कितने साल के पहले, इनके प्रश्न का जवाब देने में कमजोर पड़ गया। पूरी जिंदगी में याद कर दो एक ही बात, वो लड़का अहमदाबाद का ही था। अहमदाबाद को मैं याद रखता हूँ रोज, ऐसे मेरे गुरुदेव भुवन भानु उसमें भी अहमदाबाद के थे, मगर वो लड़का ने मुझे हिला दिया। 2045 की साल पंकज सोसाइटी में मेरा प्रवचन चलता था, पब्लिक तो थी, मगर मैं आज आपके सामने जो डिबेट कर दी वही डिबेट मैंने वो टाइम की थी। रावण गलत था कि अच्छा था, तो बस ये जो कमेंट चली वो चली। एक लड़के ने बोल दिया गुरुदेव रावण भी तीर्थंकर होने वाले, रावण अच्छा था। मैंने भी बोला रावण इतना अच्छा था कि सीता का किडनैप करने के बावजूद जब सीता की सम्मति नहीं थी तब तक रावण ने सीता को टच नहीं किया था। ये रावण की सबसे बड़ी ताकत थी, किसी लड़की का किडनैप करना टप था मगर किडनैप करके अपने बस में आने के बाद इनको टच नहीं करना इतनी सम्मति के बिना, रियलिटी। और रावण ने कमाल कर दिया। और ये मैंने प्रवचन बोला रावण का इतना अच्छा था, एग्रीड। एक लड़के ने बोल दिया एग्री, बोला मेरे कहने से नहीं 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 गुरुदेव, हृदय में बैठ गया रावण महान था। वो लड़का आज भी मुझे याद है इनका चेहरा। और लड़के को मैंने कहा भी एक बात बता दो, रावण जो एटलो सारो हो तो तमें तमारा घर में बाळकनुं नाम रावण राख्युं? समझा ने, जो तमें एम बोलो रावण एटलो सारो हो तो रावण नाम राख्युं? अहीं सुधी तो मने एम हतुं के हुं जीत्यो, ए छोकरा एवो बॉल फेंक्यो मारी सामे। मारा साहेब एक काम करो, शुरुआत तमारा समुदायथी करो, हुं पछी राखुं छुं। रावण भी जे कोक ने बनावी दो, मैं तो आगे चाले में बची कर। तम एक विचारो, हजारों वर्षो वीत्या पछी पण कोईए पोताना परिवार में दुर्योधन कंस अने रावण ना नाम नथी राख्या, भले बधा ज मरी गया छे, एनुं नाम लेवा नाम राखवा पण परिवार में कोई तैयार नथी। आज बतावे छे के वी हेव टू चेन्ज अवर माइंड। खाली एटू चेक योर माइंड। सच बोलो, आपके पिताजी दो भाई के बीच में संपत्ति का बंटवारा करे और दशरथ ने भरत को दे दिया सब कुछ, राम को जंगल में जाने की आज्ञा कर दी। आपके ही पिताजी दो बेटे के बीच में बंटवारा करे और आपके छोटे भाई को ज़्यादा दे दे और आपको कम दे दे, आप बहुत राजी रहेंगे क्या? दशरथ क्यों पसंद है? राम को जंगल में जाने की बात की, आपको मालूम है रामायण तुमने सुना नहीं होगा, जब दशरथ ने कहा कि बेटा तेरी माँ ने माँ को मैंने वरदान दिया था, वरदान मांग लिया कि मेरे बेटे भरत को गादी मिले और तू जंगल में चले जा। तुमने ये रामायण नहीं सुनी होगी शायद। राम ने पिताजी को इतना कहा, पिताजी यही बात आप कैकेयी के माध्यम से किए बिना आपने सीधा बोल दिया तो भी मैं जाता। मैं ये पूछना चाहता हूँ राम का कौन सा कार्य आपके जीवन में तुम इम्प्लीमेंट करते हो? आप इतना बोलो, आप करते हो? मैं जो रिपीट करना चाहता हूँ, राम का जो कार्य आपके खुद के जीवन में तुमने इम्प्लीमेंट किया वो कार्य कौन सा?
और एक भी कार्य हम रावण राम का इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते, फिर हम बोलते हैं हमें राम पसंद है, इतना दंभ क्यों करेंगे हम। चेक योर माइंड, तमने अपराधी नहीं कहते तो हृदय थी एक बात करी दू, अपने एकदम अंदर थी अपना मन ने चेक करिए तो एक बात स्पष्ट देखाशे, अपने पूजा राम नहीं करिए छे, अपनी दोस्ती रावण साथ है। हम प्रशंसा राम के कार्य की करते मगर जब इम्प्लीमेंट करने की बात ही हम रावण बनने के लिए तैयार हैं।